पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी हर बार केंद्रीय सुरक्षा बलों पर भारतीय जनता पार्टी की मदद करने और वोटरों को मतदान करने से रोकने का आरोप लगाती रहती है। ममता के इन आरोपों पर चुनाव आयोग ने संज्ञान लिया है और ममता को नोटिस भेजा है। इससे पहले आयोग ने ममता को मुस्लिम को एकजुट हो जाने वाले बयान पर भी नोटिस भेजा था। चुनाव आयोग की ओर से कल यानी 8 अप्रैल को भेजे गए दूसरे नोटिस में ममता बनर्जी को उनके बयानों का जिक्र करते हुए उन बयानों का जिक्र है जिनमें वह केंद्रीय सुरक्षा बलों के रोल पर सवाल उठा रही हैं। टीएमसी के एक प्रतिनिधिमंडल ने 21 फरवरी को बांग्लादेश बॉर्डर की सुरक्षा में तैनात बीएसएफ पर एक पार्टी के पक्ष में ग्रामीणों को धमकाने का आरोप लगाया था। ममता को भेजे गए नोटिस में बीएसएफ पर लगे आरोपों पर चुनाव आयोग का कहना है कि बीएसएफ पर आरोप लगाना दुर्भाग्यपूर्ण है। बीएसएफ देश की ही बेहतरीन फोर्स में से एक है।